In 2013's Aashiqui 2, the hero commits suicide in the climax of the film from the side of this bridge in Vashi. Little did the filmmakers know, this would spark off a horrific trend. And this spot would come to be known as Mumbai's suicide hotspot. Vashi is a suburb on the outskirts of Mumbai. To reach Vashi, you have to cross one of these three bridges. ये जो आप देख रहे हैं ये पुराना ब्रिज है, ये नया ब्रिज है और वो रेलवे ब्रिज है। सुसाइड करने का पॉइंट है ये पुराना ब्रिज है, अक्सर ज़्यादा सुसाइड यहाँ से करते हैं। जान देने की जोखिम क्यों हो रही है, आशिकी टू पिक्चर है ना, उसके वजह से ज़्यादा आज आत्महत्या हो रही है इधर। दिस इज फिशरमैन राजा राम और राजा जोशी, ही लिव्स इन वाशी गांव। With the help of his fellow villagers, the police and the fire department, he has saved 37 people from drowning in Vashi Creek. अभी समझो कोई suicide करने के लिए आया या suicide किया पानी में, jump मार दिया। jump मारने के बाद कोई public police को phone करती है, police मुझे phone करती है, fire brigade के officer है वो मुझे phone करते हैं। उनके माध्यम से मुझे पता चलता है क्या आज कोई घटना हुई है। तो मैं कुछ ही दूरी पे रहता हूँ वाशी गांव में, 5 मिनट में मैं यहाँ पहुँचता हूँ बाइक के ऊपर। अगर मैं किसी को बचाता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तीर मारा हूँ मैं, कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ। Unfortunately, most are not lucky enough to survive the fall. The creek is deeper than it looks and has strong currents flowing from either side. अगर वहाँ से कोई जम मारता है, अभी भर्ती चालू है हाइटेड में, फिर बॉडी इस तरफ जाती है थाने की तरफ, आईरोली थाना घनसोली को ऊपर करना। और ये सामने जो दिख रहे हैं मेरे, ये मैंग्रोव है। मैंग्रोव में तो कितनी बॉडी फंसी हुई है कुछ पता ही नहीं, अगर बॉडी फंस गई सड़ गई तो कुत्ते खा जाते हैं। The first call when someone jumps is usually made to the fire department. The chief fire officer in Vashi, Inspector Mhatre, is used to being on the receiving end of such calls. जो ब्रिज का और हमारा डिफरेंस है, कम से कम 1.5 किलोमीटर डिफरेंस है। यहाँ जब कॉल आता है कि वाशी के ब्रिज में से कोई दो आदमी नहीं, कोई छलांग लगी है, तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिए। तो वहाँ से हम लोग स्थानिक मच्छीमार उनकी नौका लेके वहाँ हम लोग जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि कोई कोई प्रेमी युगल आते हैं, दोनों का झगड़ा होता है, वहाँ बैठ के दोनों का झगड़ा होता है, उसमें आपस में क्या होता है पता नहीं, कोई एक छलांग लगाता है, एक बच जाता है। हम लोग कोशिश तो करते हैं बहुत, फायर ब्रिगेड, स्थानीय मच्छी बार, पुलिस, जिसका नसीब है वो मिल जाता है, जिसका नसीब है वो जो है जाता है। Despite the constant police patrolling, Vashi Bridge has become a hotspot of sorts. The officials don't know how to reduce such incidents. पिछले लगभग 3 साल में वाशी पुलिस स्टेशन का कार्यभार संभाल रहा था। उस दौरान वाशी क्रीक ब्रिज, यहाँ आके खाड़ी में जंप करने वालों की काफ़ी घटनाएं घटी है। सिर्फ महाराष्ट्र या मुंबई नहीं, एक लड़के ने बिहार से आके यहाँ पे खुदकुशी की थी। ये जो ब्रिज है, ये दो ब्रिज है, एक छोटा एक बड़ा, एक है एक जो नया बंद है वो बड़ा ब्रिज है और बाकी का जो छोटा है। और वहाँ से ट्रैवल्स करते हैं लोग, तो पुलिस लोग भी पता चलता नहीं और क्या कि पब्लिक के चलता, हम कि आदमी जा रहे थे जान दो, लेकिन वो बीच में गाड़ी खड़े करके, साइड में गाड़ी खड़ा करके, तो वहाँ से कभी छलांग लगेगा पता नहीं। हमारे मछुआरे जो है अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो वो सब काम छोड़ के पहला वो बचाने के इसमें उन्होंने काफ़ी जाने बचाए। While it's impossible to truly understand why more people take such desperate measures, the survivors do have a story to tell. लड़के को 12वीं मार कम मिला था, उसने छलांग लगाए। ब्रिज के नीचे ऐसा कॉलम है, बड़े बड़े कॉलम है, वो कॉलम के एक अंदर में बैठा था वो आदमी, वो तो उसको बाहर हम लोग निकाला, उसको माने पता चला कि बताया कि इसको 12वीं में उसको मार कम मिले इसलिए जान लिया। But one thing is clear, once the survivors leave Vashi Bridge, they have no desire to return. जिसको बचाया ना, उसके घर वाले ना कभी फोन करते, ना कभी मिलने आते, ना कभी पूछते। उनका क्या, उनका काम हो गया, उनका लड़का लड़की कोई भी बच गए वो उन्हें भूल गए। अपने इंडिया में यही तो है खासियत है कि जो भी काम बनता है भूल जाओ। While Rajaram may feel like he has been forgotten, for many, he is a real hero.